बच्चों, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है किसी कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है। मतलब अगर मैंने ये लिखा है कि बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, ये है बेंजीन C6H6, तो ये एम्पेरिकल नहीं है, ये है मॉलिकुलर फॉर्मूला। मॉलिकुलर फॉर्मूले में होता है एग्जैक्ट रिलेशन, कितने कितने कौन कौन है एग्जैक्ट। लेकिन इसी में अगर दोनों को 6 से डिवाइड कर दें तो ये बचेगा, और इसका नाम रखा है एम्पेरिकल फॉर्मूला, और इसका नाम रखा है मॉलिकुलर फॉर्मूला। और इसे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके बराबर लाने के लिए, उसे हम एन फैक्टर कह देते हैं, जो कि यहाँ 6 है। मतलब आप एम्पेरिकल फॉर्मूले को एन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिकुलर फॉर्मूला बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला 6 से डिवाइड करके CH2O आया है, और एटम्स के नंबर हमेशा सबस्क्रिप्ट यानी नीचे लिखते हैं। तो जब मैं यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक कॉमन सेंस है वो 6 से मल्टीप्लाई इन सबस्क्रिप्ट में जाके होगी, तो C6H12O6 बनेगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूले से मॉलिकुलर फॉर्मूला कैसे बनाना है प्रांजल बेटा? C6H12O6, और अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो C1 रह गया, H तो 2 हो गया ना, 6 थोड़ी, और O फिर 1 रह गया, 6 से डिवाइड सबको किया था ना, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O आया, 6 से मल्टीप्लाई किया, मॉलिकुलर फॉर्मूला बना। अगर इसी को हम कहेंगे वेट के हिसाब से, तो ये वाला टर्म आएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूले का वजन कितना है। और ऑब्वियस सी बात है, इसको मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वजन आ जाएगा मॉलिकुलर वेट के बराबर या मॉलिकुलर फॉर्मूला वेट के बराबर। इट इज अ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या है बेटा? अगर मैं यहाँ कार्बन का वेट जानता हूं 12 है, हाइड्रोजन का 2 है, और 2 हाइड्रोजन की वजह से 16 है, इसे मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 30 आ जाएगा, 30 × 6 180 आएगा। और दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूँ, नहीं भाई मैं अभी इनको प्लस नहीं करूंगा, सबको पहले 6 से मल्टीप्लाई करूंगा फिर ऐड करूंगा, तो बात तो एक ही है भाई, सबको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 × 6 लिखूंगा, प्लस 2 × 6 लिखूंगा, वट एवर द नंबर है, ठीक है, और 16 × 6 लिखूंगा। और जब मैंने ये ऐसे लिखे हैं, जरा ध्यान से देखिए, मैं ये कह रहा हूं मैंने ब्रैकेट ओपन किया है, या फिर ये कह रहा हूं कि मैंने इसका वेट लिखा है, ये रहा कार्बन का वेट, ये रहा हाइड्रोजन का वेट, और ये रहा ऑक्सीजन का वेट, और ऑब्वियसली इनको जोड़ेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ दो फॉर्मूले ही हैं जिनका हम यूज करते हैं बेसिकली, एक है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूले का रिलेशन, कि मॉलिकुलर फॉर्मूला इज एम्पेरिकल फॉर्मूलाज एन टाइम, इसे ऐसे लिख लेते हैं सबस्क्रिप्ट में एन, क्योंकि ये नंबर बता रहा है। और दूसरा मॉलिकुलर फॉर्मूला वेट, जिसे मॉलिकुलर वेट भी कहते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट मल्टीप्लाइड बाई एन, ये ऐसे करके लिख लिया। तो ये दो फॉर्मूले आप जरा ध्यान रखेंगे यहाँ के क्वेश्चन करते समय। अब न्यूमेरिकल अप्रोच पे आने का टाइम है, फिर भी एक बारी मैं थोड़ा सा दोबारा बोल रहा हूं बेटा, अगर मैंने आपसे कहा, लेट सपोज एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आपके पास मीथेन है, CH4 मीथेन गैस, ठीक है, और मीथेन के आपके पास लेट सपोज 32 ग्राम है, 32 ग्राम मीथेन आपके पास है, और इस 32 ग्राम में 25% 25% हाइड्रोजन है और बचे हुए 75% कार्बन है, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए मीथेन नाम नहीं दिया है सॉरी, और मैंने कहा एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के आपके पास 32 ग्राम है, और उस 32 ग्राम में या उस 32 ग्राम का 25% आपका हाइड्रोजन है और 75% कार्बन है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ इसका फॉर्मूला क्या है, तो एक बारी पहले दिमाग में ले जाना एक कॉमन सेंस की बात, क्या कहीं पे भी किसी का भी वजन आपको दिया है तो उसके वजन से बता तो सकते हो एटम कितने? जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ा सा एक एग्जाम्पल याद आएगा, आप बाजार से एक कील खरीदने गए, कील, नेल, आयरन नेल, आपके यहाँ कारपेंटर लगा, कारपेंटर ने कहा भाई
जाओ एक इंच वाली 2000 कील ले आओ नेल, तो वहां जाके 2000 गिनते थोड़ी, वहां जाके क्या होता है एक नेल का वेट निकाल लिया, लेट सपोज 2 ग्राम है, तो 2000 नेल का वेट 4000 ग्राम, यानी 4 kg, 4 kg नेल ले लेंगे, ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेट वही आ जाएगा, समझ में आ रहा ना, 4 kg नेल्स में 2000 नेल्स होंगी होंगी, ऐसे यहां सोचना है। अगर मैंने कहा 32 ग्राम आपके पास है उसका 25% निकाल लो, 32 का 25% आया है, ये अगर मैं डिवाइड करूं तो 8 आया है, यानी आपके पास 8 ग्राम हाइड्रोजन के हैं। अब 8 ग्राम हाइड्रोजन के, जैसे अभी एग्जांपल दिया था उसे सोचना, 4 केजी आपके पास नेल्स हैं, आयरन की नेल्स का एक पैकेट है 4 kg, और उसमें एक नेल का वजन तुम्हें मालूम है, 4 kg यानी इतने ग्राम का पैकेट है, एक नेल का वजन इतना है, ये डिवाइड क्या देता है, नंबर ऑफ नेल्स। ऐसे ही 8 ग्राम आपके पास अगर हाइड्रोजन है और इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यहां आ जाएंगे। अगर हमारे पास किसी का वजन है, उस वजन को, उस टोटल मास को मास ऑफ 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट आ जाएंगी। इज इट क्लियर? तो यही वाला कंसेप्ट यहां हमें लगा के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन पे ले आता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, बेटा इसी क्वेश्चन को दोबारा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। लेट अ कंपाउंड हैज लेट अ कंपाउंड हैज 25% हाइड्रोजन एंड 75% कार्बन, गिव इट एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के हम यूजुअली एक टेबल बना के करते हैं, गिव इट एम्पेरिकल फॉर्मूला। बिल्कुल बेटा, अभी हम स्टार्टिंग से फिर से करेंगे, आप चिंता ना करें। तो बहुत सिंपल है, अब एक कंपाउंड है जिसमें 25% बाई मास हाइड्रोजन है और 75% बाई मास कार्बन है। ठीक है, तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, लेट वी हैव 100 ग्राम कंपाउंड। पहली लाइन हम एग्जामिनर को ये लिख के दिखा देंगे, लेट आई वी जो चाहे हैव 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। बेटा 100 ग्राम क्यों लेते हैं, क्योंकि उससे कैलकुलेशन इजी रहती है। तो हमारे पास 100 ग्राम कंपाउंड है, उसका 25% हाइड्रोजन है, देयरफोर हाइड्रोजन का मास 75 हाइड्रोजन का मास 25 ग्राम हो गया और कार्बन का मास 75 ग्राम हो गया। भाई 100 ग्राम का कंपाउंड है, 100 में 25 एक है, 75 एक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का मास आ गया। नाउ अब जरा ध्यान से देखिएगा, यही काम बार बार करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन का वेट इन ग्राम हमारे पास है 75 ग्राम और हाइड्रोजन का वेट इन ग्राम हमारे पास है 25 ग्राम। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, भाई ये तो एक तरीके से मास है, इसमें हमें गिनने एटम कितने, मास है हमारे पास, हमें गिनने एटम कितने हैं, तो एक एटम के मास से डिवाइड कर दें। तो यहां जिसको आप एटॉमिक मास कहते हैं और जो बच्चे आगे तक पढ़ चुके हैं, बेसिकली वो होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, अभी आप जो अभी तक 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए वही लगाइए, ये एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है, और यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम आते हैं। आप मोल्स वर्ड को अभी छोड़ दीजिए, नंबर ऑफ एटम्स आ गए टेबल 3 में, और टेबल 3 आई कैसे है बेटा, टेबल 3 कैसे आई है, 1/2, 1 की वैल्यू है 75, 2 की वैल्यू है 12, 1 की वैल्यू है 25, 2 की वैल्यू है 1, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम पहले वाले में आ रहे हैं 6.25 और दूसरे वाले में आ रहे हैं 25। बताओ बेटा, पहली दूसरी या तीसरी टेबल में कोई डाउट है, पहली दूसरी या तीसरी टेबल में आपको कोई डाउट है, पहली टेबल या ये पूरी टेबल में पहला कॉलम ये भी था, हार्डली मैटर। ठीक है, बताइए, एलिमेंट के नाम लिखे हमने कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन की परसेंटेज को ग्राम में चेंज कर लिया तो 75 ग्राम कार्बन हो गया। कार्बन के 75 ग्राम में नंबर कितने, एटम कितने, हमें मास पता है, एटम निकालना है, एक एटम के मास से मैंने डिवाइड किया तो मुझे एटम पता चल गया इतने हैं, हाइड्रोजन का टोटल वेट इतना है, एक एटम के मास से डिवाइड किया टोटल एटम पता चल गए। लेकिन कभी एटम फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, कभी एटम फ्रैक्शन में नहीं होंगे,
तो जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे सबको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ सबसे छोटा नंबर आपके पास 6.25 है, तो इस 6.25 से इन दोनों को ही डिवाइड करिए बेटा। जैसे ही आप 6.25 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये छोटा वाला नंबर 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, और इसलिए एम्पेरिकल फॉर्मूला CH4 बन जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया? CH4। एक एग्जांपल सुनो बच्चों, लेट सपोज आपको पैसे बांटने गरीबों में, ठीक है, सिक्के सिक्के बांटने, जैसे RBI देता है ना सिक्के, तोल से देता है। अब लेट सपोज आपके पास बहुत सारे सिक्के हैं या गरीबों बांट रहे हो, वॉट एवर, आप किसी को चेंज लौटा रहे हो, वॉट एवर, तो किसी ने आपसे, आपके पास 10-10 रुपए के सिक्के हैं और किसी ने आपको 1,00,000 रुपए दे दिए, 1,00,000 रुपए के चेंज, 10-10 के सिक्के आपको से वापस करने, कितने सिक्के देने? 1,00,000 डिवाइड बाई 100, 10, 10,000 सिक्के देंगे, 10 रुपए का एक सिक्का है ना, 10,000 सिक्के देंगे। तो एक तरीके आप 10,000 सिक्के बैठ के गिनी और गिन के दे दीजिए, और एक दूसरा तरीका है कि एक बच्चे ने क्या किया, एक सिक्के का वेट निकाला, एक सिक्के का वेट लेट सपोज 10 ग्राम आ रहा है, ठीक है, तो एक सिक्के का वेट अगर 10 ग्राम आ रहा है तो 1,00,000 रुपीज लाने के लिए, मतलब एक सिक्के का वेट 10 ग्राम यानी 10 रुपीज 10 ग्राम, 1 रुपी 1 ग्राम, 1,00,000 रुपीज 1,00,000 ग्राम, 1,00,000 ग्राम मतलब 100 किलोग्राम, तो वो सीधा 100 किलोग्राम तोल के दूसरे को देगा और गारंटेड उसके अंदर 1,00,000 रुपए के अंदर 10,000 सिक्के ही निकलेंगे। तो व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या है कि काउंटिंग को मास से रिलेट कर सकते हैं, काउंटिंग कैन बी रिलेटेड विद मास। जैसे यहां 75 ग्राम थे कार्बन के, अब 75 ग्राम में हमें देखना है एटम कितने हैं, तो कैसे निकाले एटम कितने भैया, एटॉमिक मास से डिवाइड करिए, क्योंकि 12 ग्राम में 1 मोल एटम या 1 एटम होते हैं अभी, तो 12 में 1 एटम है, तो 75 में कितने एटम हो गए, 6.25, 25 ग्राम का टोटल हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन का वेट 1 ग्राम है, तो भैया 25 एटम हो गए, तो दोनों के एटम आ गए। लेकिन एटम आपस में हमारे कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है रिलेशन, तो होल नंबर में चेंज करना है, तो ये होल नंबर में चेंज करने का तरीका है कि जो सबसे छोटा नंबर है उससे सबको डिवाइड करिए। तो हमें यहाँ सबको डिवाइड कर दिया सबसे छोटे नंबर 6.25 से, तो एक 1 आया, एक 4 आया। बोलो बेटा ये क्वेश्चन क्लियर है, आंसर इज मीटिंग, एनी डाउट जल्दी बताइए, क्लियर है 1 टाइप करी, जिस जिसे क्लियर है जल्दी से 1 लिख लीजिए, ठीक है। अदिति, प्रांजल, एक बच्चे ने लिख दिया, और कुशाग्र, ठीक है, दिव्यंका, आस्था, ठीक है, वसुंधरा, तरांश, ठीक, आशुतोष, क्लियर है, वेरी नाइस। तो अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, एक स्टेप बढ़ाएंगे, अभी धीरे धीरे करके बढ़ेगा, ठीक है। चलो इसमें कहीं कैलकुलेटर दिख रहा है, यहाँ कैलकुलेशन कर लूँ ना मैं साथ में, कैलकुलेटर यहाँ होगा ना, एक सेकंड रुकना है, मैथ में होगा कैलकुलेटर। अब यार ये तो टूल किट आ गई, कैलकुलेटर नहीं दिख रहा, ओए होए होए होए, कैलकुलेटर होगा, कहाँ होगा, रब जाने, एक सेकेंड है, कैलकुलेटर कैलकुलेटर, ठीक, चलिए इसे ओपन रखता हूँ, फिर कर लेंगे, आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना रहा था। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है, लेट अ कंपाउंड हैव 40% कार्बन, ठीक है, 40% कार्बन हाइड्रोजन एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन, ठीक है, द
मॉलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड, द मॉलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 180. गिव, पहले मॉलिकुलर वेट थोड़ा छोटा रखते हैं क्योंकि 180 के बच्चों याद है, इज 60. द मॉलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 60. गिव एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले आपको बताने. गिव एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला. क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं. लेट ए कंपाउंड हैविंग 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन. द मॉलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 60. गिव एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला. गिव एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला. ये भी क्वेश्चन मैं ही बताऊंगा, आप कर लेंगे. ये एक और मैं बता देता हूं, ठीक है. तो इस क्वेश्चन में आप पहली लाइन एग्जामिनर के लिए लिख देंगे, लेट वी हैव 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड. तो 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड है तो कार्बन का वेट हो गया उसमें, कार्बन का वेट 40 ग्राम, हाइड्रोजन का वेट 6.67 ग्राम और ऑक्सीजन का वेट 33 ग्राम नियरली. ये तीनों का वेट आ गए. एटॉमिक वेट हम लिख देंगे आगे. कार्बन का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16. इसके बाद ये वेट, ये एटॉमिक वेट, तो 1/2 नंबर ऑफ मोल्स जो निकालते हैं, 40/12 ये 3.33 आ जाएगा, 6.67/1 तो ये नियरली 6.66 या 67 और 53.33/16 ये भी आपका 3.33 आना चाहिए. और इसके बाद हम लिखेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो तो 3.33 से सबको डिवाइड करेंगे. 3.33 से जब इसे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसे जब आप 3.33 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और फिर इसे आप 3.33 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा. और ये जो नंबर्स 1, 2 एंड 1 आ गए तो ये आपका एक तरीके से आ गया बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला. तो आप कहेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH2O. ये आपका पहला आंसर एक आएगा. फिर एम्पेरिकल फॉर्मूले का वेट निकालेंगे. एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, तो कार्बन का वेट 12, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, मिला के 30 आया. एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया, एम्पेरिकल फॉर्मूले का वेट निकाल लिया. अब आपको मॉलिकुलर वेट गिवन है बच्चों, आपको क्या गिवन है, मॉलिकुलर वेट. तो n फैक्टर की वैल्यू होती है मॉलिकुलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट. मॉलिकुलर वेट आपको 60 गिवन है और एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट आपका 30 आया, तो यहां से आपका n फैक्टर की वैल्यू 2 आ गई. 30 और 60 से n फैक्टर आपका 2 आ रहा है. और बच्चों जब आपका n फैक्टर 2 आया है तो आप एक लास्ट स्टेप करेंगे. वो क्या लास्ट स्टेप आपका क्या होगा कि मॉलिकुलर फॉर्मूला इज एम्पेरिकल फॉर्मूला n टाइम्स, और n 2 आया है और ये है CH2O 2 टाइम्स यानी C2H4O2 ये आया है. और अगर आपने थोड़ा सा कल का घर जाके ठीक से पढ़ा है या लास्ट टाइम कभी पढ़ा है तो ये कंपाउंड ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है CH3COH, इसमें C2 है, H4 है, O2 है. तो ये इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इतना बाइफर्गेशन जरूरत नहीं है. हमारे जो आंसर्स हैं वो यहाँ के वो कौन कौन से हैं, उसने हमसे पूछा था एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला. ये रहा आपका मॉलिकुलर फॉर्मूले का आंसर और ये रहा आपके एम्पेरिकल फॉर्मूले का आंसर, ठीक है. तो उसने मॉलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा था, ये दो आंसर बताना. स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बारी, किसी बच्चे को डाउट ना हो इसलिए. बेटा ये क्वेश्चन था, किसी कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज 40 है, हाइड्रोजन की परसेंटेज 6 है और ऑक्सीजन की परसेंटेज बची हुई है और उसका मॉलिकुलर वेट 60 है. तो हमने क्या किया, 100 ग्राम का कंपाउंड मान लिया. 100 ग्राम में पहले कार्बन की परसेंटेज आ गई, ये यानी कार्बन का वेट आ गया, हाइड्रोजन का आ गया, ऑक्सीजन का. वेट को एटॉमिक वेट से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम आ जाते हैं,
मतलब कितने एटम्स हैं। तो कार्बन के 3.3 आया, हाइड्रोजन के 6.6 आया और ऑक्सीजन के फिर 3.3 आया। ये सिंपल रेशियो आया था, इसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में चेंज कर दिया हमने और ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमारा CH2O आ गया। अब इसके बाद क्या करोगे, जब हमारा रेशियो CH2O आ गया है तो भैया इसके बाद हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कि n फैक्टर की वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में 60 गिवन है, एम्पेरिकल वेट 30 गिवन है, 30/60 से ये 2 आ गया। तो हमें पता चल गया कि एम्पेरिकल फॉर्मूले का डबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा और ऐसे लिख के डबल कर दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। ओके ओके, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि आपने यहाँ 3.3 से ही डिवाइड क्यों किया। बेटा मैंने ना इन तीनों वैल्यूज को ध्यान से नोटिस किया, 3.3, 6.6, 3.3, तो छोटी वैल्यू से हमेशा डिवाइड करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू। जैसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे वो 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, चांस की बात है ये 2 हो गया, फिर ये 1। और जो आपका कंफ्यूजन है वो अगले क्वेश्चन में मैं दूर भी कर दूंगा कि ये अगर दोबारा फ्रैक्शन आया तो क्या करना है, ये अगले ही क्वेश्चन में दूर कर रहा हूँ। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके अभी कर रहा हूँ, एक सेकेंड, यहां तक क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है तो 1 टाइप कर दीजिए और अभी अगले क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा वो वाला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड वैल्यू से चलू मैं उसकी। ठीक है, देखें ये क्वेश्चन है बेटा, अ कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड हैविंग 70% आयरन, आयरन का वेट 56 होता है एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन, ठीक है, गिव एम्पेरिकल फॉर्मूला। खत्म। अ कंपाउंड कंटेनिंग 70% आयरन, आयरन का वेट दे दिया मैंने, सही हो याद नहीं होगा, 56 एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन, ठीक है, आयरन है और ऑक्सीजन है, गिव एम्पेरिकल फॉर्मूला। बताइए बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, अ कंपाउंड हैविंग 70% आयरन एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन, गिव एम्पेरिकल फॉर्मूला, बताइए। करिए आप लोग पहले, फिर मैं बता दूंगा। गलत है प्रांजल, एक बार चेक करिए, आपकी मिस्टेक है, ये आंसर गलत है। वेरी गुड पलाश, ये सही है, बाकी लोग भी बताइए। बताइए बेटा, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, दो तीन बच्चों का आंसर आ गया है, क्योंकि इसका मतलब थोड़ा बहुत तो समझ में आया है इन बच्चों को। आयरन ऑक्सीजन, और पहली लाइन में लिख नहीं रहे बार बार, लेट वी हैव 100 ग्राम कंपाउंड, वेरी गुड नूपुर, वेरी गुड, वन मोर पर्सन जिसने भी दिया था, दोनों का आंसर सही था, इससे पहले भी तीन बच्चे दे चुके हैं, आप सबका सही था। आयरन का वेट हमारे पास 70 हो गया और ऑक्सीजन का वेट हमारे पास 30 हो गया, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड में आपको आयरन का एटॉमिक वेट 56, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16। थर्ड में नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड कह लीजिए, या फिर लैंग्वेज में लिख लीजिए वेट अपॉन एटॉमिक वेट, तो ये आप करेंगे और ये 30/16 करेंगे। अब कुछ बच्चों ने तो बड़ा अच्छा किया है कि पूरा उन्होंने सॉल्व किया ठीक से, मतलब तो 70 को 56 से जब आप डिवाइड करेंगे, 56 1 टाइम 56 14 बचेगा,
14 मतलब 140, तो 56 से 140 कितने बार जा रहा है आपके हिसाब से? ठीक है, तो 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 112 आ जाएगा, फिर 28 बचेगा शायद, और नियरली 5 टाइम्स चला जाएगा, ये है ना। एक बार करके देखिएगा ये क्या 1.25 आ रहा है, नहीं आ रहा। ये जब आप करेंगे 16 वन टाइम 16, 14 बचा, 140 हुआ, 16 8 टाइम्स भी जा सकता है, ठीक है, 875 एक बच्चे ने बताया, ये आ रहा है। अब बेटा यही वाला क्वेश्चन आपका पिछली बार था ना, कि आपने 3.33 से ही क्यों डिवाइड किया, तो अब आपको समझ में आएगा। अब मैंने क्या किया, सबसे छोटे वाले से दोनों को डिवाइड किया है, सबसे छोटा है 1.25, 1.25 से इसे भी डिवाइड किया, 1.875 को भी 1.25 से डिवाइड, ये 1 आएगा और इसकी डिवाइड आप करके देखिए 1.5 आएगा। तो एटलीस्ट मेरी एक समस्या खत्म हुई, एक नंबर तो होल नंबर में आ ही गया, अब मुझे दूसरे नंबर को भी होल नंबर में चेंज करना, तो एक कॉमन सेंस लगाएंगे, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि होल नंबर बन जाए, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 3 हो जाएगा, और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, यानी आयरन 2 हो गए और ऑक्सीजन 3 हो गए। तो हमने एक को काय से मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई सेम नंबर से ही करना है, कॉमन सेंस है, तो दोनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, एक चेंज होके ऐसी जो था वो नंबर 2 हो गए और ओ 3 हो गए, इसलिए आंसर आ गया Fe2O3। कोई डाउट, तरीका समझ में आया? अगर ये नंबर, हाँ वैल्यूज में बता देता हूँ आपको, थोड़ी और वैल्यूज बता देता हूँ, अगर बेटा किसी एक का 1 आए और दूसरे का लेट सपोज 1.33 आए, तो हमें यहाँ दोनों को, हाँ हमें यहाँ दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, जिससे ये तो 3 हो जाए और ये 4 हो जाए, तो कुछ क्वेश्चन में 3 और 4 होंगे, वो ऐसे हो जाएंगे। अगर कभी किसी एक का 1 आए दूसरे का 1.4 आए, तो हमें दोनों को मल्टीप्लाई 5 से करना चाहिए, जिससे कि ये 5 में होल नंबर आ जाए और 1.4 into 5 is 7, तो ये भी होल नंबर में आ गया, ये भी होल नंबर में। कई बार ये 1 होगा और दूसरा 1.33 होगा, तो ये हो चुका है, सॉरी 1.2, तो 1 और 1.2 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई अगर करें, तो ये आपका ऊपर वाला 5 आ गया और ये वाला 6 आ गया, तो ये होल नंबर में चेंज करने के तरीके हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये याद करेंगे कैसे चेंज करें। बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट है यहां तक? पहले यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी से, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछे, नहीं बेटा एक सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बट कॉमन सेंस है, किसी भी नंबर का क्या मतलब है, उस नंबर से करेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों होल नंबर में चेंज हो जाए। ऐसा थोड़ी है कि आपने नंबर से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाला होल नंबर में चेंज ही नहीं हुआ, फिर फायदा क्या हुआ हमें होल नंबर टेक्निक में आने का? होल नंबर में चेंज होना मेन कंडीशन है, आई मीन टू से। और किसी को कोई डाउट है जल्दी बोलिए, पास नहीं आइए करें क्वेश्चन। मैंने आपको एक शीट भी भेजी होगी, है ना, उस शीट में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये वाले भी होंगे, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन सोशियोमेट्री डाउनलोड बेसिक कंसेप्ट, ओके, इसमें भी सोशियोमेट्री या एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के क्वेश्चन होंगे। लेट आई चेक कहाँ है, मैं आपको बताता हूँ, तो मैं चाहूंगा वो आप करके देखें पहले, ओके। ये रहा परसेंटेज कंपोजिशन, ये रहा एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक ये जरा जल्दी जल्दी हमें स्टार्ट करने और करके दिखाने। तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है और एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 3, आई होप सो सभी को दिख रहा हो, तो वेरी गुड दिख रहा है, इसका मतलब मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं। पहले का आंसर है CH, दूसरे का आंसर है CH2, तीसरे का है HO या OH, चौथा एज इट इज, पांचवा एज इट इज, छठे का आंसर है BH3,
और सातवें का आंसर है NO2 और आठवें का आंसर है CH2। बताइए बेटा, मैंने आठों लिख दिए हैं, किसी को डाउट है? किसी में आठों मैंने लिख दिए, किसी में डाउट है? बहुत बढ़िया, एक दो बच्चे इसका मतलब क्लोजली वॉच कर रहे हैं, बाकी लोग अपना कर रहे थे और क्लोजली वॉच नहीं कर रहे थे। डेफिनेटली इसमें मैंने एक गलत लिखा है, जान उसको, ये पहचानने के लिए। वेरी गुड, आप पहचान चुके हैं, वेरी गुड। लास्ट सी एच है, वेरी गुड। लास्ट वाला मैंने जान उसके गलत लिखा है, कि आप खाली मेरी हाँ में हाँ मत मिलाइए, आप खुद भी देखिए। डेफिनेटली लास्ट वाला जो बच्चा पकड़ ले रहा है कि ये गलत है, दैट मीन्स उसने सारे भी समझ लिए हैं, तभी मैंने लास्ट वाले को थोड़ा सा गलत किया। तो इंपेरिकल फॉर्मूला पकड़ना आप सबको आ गया है, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन था, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन, तो वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100 इज द परसेंटेज कंपोजिशन, वो छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ रहे हैं, अ सब्सटेंस हैज एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O, मॉलिक्यूलर वेट इज 180, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी। मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, आप लोग चेक करके बताइए क्या सही है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया नूपुर एंड एक दो बच्चे प्रांजल, वेरी गुड। तो आपको ये समझ में आ गया कैसे किया है, ये अभी हमने जो क्वेश्चन किया था ऑलमोस्ट वही है, कि वेट 30 आएगा ये H2O का, इसका 180 है तो 6 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज n फैक्टर 6 आया, n 6 आया तो 6 से दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई किया है, और इसलिए C6H12O6 ये बन गया है। बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड या फोर्थ में किसी को कोई डाउट है तो पूछे पहले। एक बच्चा कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में परसेंटेज क्या निकालनी है। बेटा थर्ड क्वेश्चन यूजुअली दो दो एटम्स या तीन तीन एटम्स का है, एक दो एटम का। जैसे मैं आपको पहले की परसेंटेज बता देता हूँ, उसमें वो कह रहा है C6H6 में कार्बन की परसेंटेज बताओ, तो कार्बन C6H6 का टोटल वेट आ रहा है 78, उसमें कार्बन का वेट है 72, तो टोटल वेट है C6H6 में कार्बन की परसेंटेज अगर निकालनी है, तो कार्बन का वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100, तो ये परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगी। और इसमें क्वेश्चन में लिखा है ना, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन, मतलब जितनी भी चीजें हैं सबका परसेंटेज बताओ, तो जहां दो चीजें हैं वहां तो कंफ्यूजन ही नहीं है, मतलब कार्बन का परसेंटेज आ गया, यहाँ 91.91 कुछ आता है कार्बन का परसेंटेज, तो बचा हुआ जो भी परसेंटेज है दैट इज ऑब्वियसली हाइड्रोजन, तो दोनों का परसेंटेज बताना है। तो परसेंटेज कैसे बताएंगे, वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100, वेट ऑफ दैट एलिमेंट, टोटल वेट ऑफ दैट कंपाउंड जिसे मॉलिक्यूलर वेट कह देते हैं, इनटू 100, वो अलग अलग सबका बताना है। अब क्लियर है बेटा, जिसने भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे वो तो कम से कम अलर्ट रहे कि आंसर मेरा आने के बाद कहेंगे, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया था, फिर अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन वर्ड नहीं सुना तो हमें कोई टेंशन नहीं है, अपने आप आता रहेगा। कंसिस्ट ऑफ 87.5% नाइट्रोजन एंड 12.5% हाइड्रोजन, डिटरमाइन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ मॉलिक्यूलर वेट इज 32। यहां नाइट्रोजन कहा है 87.5% और हाइड्रोजन कहा है 12.5%। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1। सिंपल रेशियो में इसे 14 से डिवाइड करेंगे, इसे 1 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आपकी 14 5 टाइम 70 होती है, और 14 6 टाइम 84, 2.5 बचा है शायद, और ये 12.5 है, तो मुझे उम्मीद है 6.25 आ जाएगा। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 6.25 से दोनों को डिवाइड करिए, ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, दैट इज NH2 आया है, ये आ गया है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट कितना आ गया, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 2 है ना 16। एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट आने के बाद n फैक्टर आएगा, मॉलिकुलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट 32/16 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट NH2
ट्वाइस, किसी बच्चे को डाउट है पूरे प्रोसेस में मैं स्टार्टिंग से बता दूंगा, क्लियर है तो वन टाइप करो, प्रांजल क्लियर है, डाउट है तो टू या कुछ भी टाइप करिए, मैं हैंड रेज करिए बता दूंगा। ओके मैं पढ़ रहा हूँ, नाम भूल नहीं रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि अधिकतर बच्चों क्या सभी ने अभी तक तो वन ही टाइप किया है, यानी क्लियर, गुड, सभी को क्लियर। बेटा ये कार्बन कहां से आ गया बेटा इसमें, नूपर कार्बन का सी टू एन वट इज दिस, आगे का कोई क्वेश्चन कर, अरे नहीं समझिए सॉरी, आप अगला क्वेश्चन भी कर चुकी हैं इसका मतलब, वेरी गुड, वही मैंने कहा यहाँ तो कार्बन है ही नहीं तो आपको ठीक है, एक बच्चे ने शायद सिक्स भी कर दिया है और इसमें एक अच्छा क्वेश्चन भी है जहां तक मुझे ध्यान है जिसमें वाटर भी निकालना था, सेवेंथ मैंने अभी आपको क्लास में करा दिया है, ठीक है सेवेंथ तो मेरा ये क्लास में हो चुका है अभी, Fe2O3 आ गया था, ठीक है तो अब आपके पास बचता है सिक्स एट्थ एंड नाइन्थ, एक एक करके तीनों अटेम्प्ट कर लीजिए जल्दी से, पहले सिक्स करिए, कार्बन 48%, हाइड्रोजन 8 एंड नाइट्रोजन 28, ये करिए जल्दी से, 6, 8, 9 तीन ही है, तीनों करेंगे। ओके सिक्स आपने कर लिया है, सिक्स है कार्बन 48, हाइड्रोजन 8 एंड नाइट्रोजन 28, बहुत सिंपल है वैल्यूज तो 48, 8 एंड 28, तो यहाँ कार्बन 2 आए हैं, हाइड्रोजन 4 आए हैं, नाइट्रोजन 1 आए हैं, मेरा आंसर ये आ रहा है, एक बार आप चेक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैंने कहा है कार्बन 2 हाइड्रोजन बता यार, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 नाइट्रोजन 1, गुड यही आ रहा है सभी का, वेरी गुड गुड। अब जल्दी से एट निपटाइए, एट इजी है, एट अ कंपाउंड कंटेन 4.07 हाइड्रोजन, 24.27 कार्बन, 71.66 क्लोरीन, जहां तक मुझे दिख रहा है ना कि कार्बन को 12 से डिवाइड करो 2 आ जाएगा, इसे 35 से डिवाइड करो ये भी 2 आ जाएगा, और उसे 1 से डिवाइड करो 4 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 4 है, यानी ये 1 ये 1 और ये 2, और जरा चेक कर लो ये 1 ये 1 ये 2, और अगर डबल कर दें तो 2 2 4, 2 2 4 में यही आ जाएगा, इसका वेट 71 24 95 और नियरली 4 99 वही है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, मैंने इसका आंसर ये बताया है कि यहाँ आएगा आपका, आप सॉल्व करके देखिए कि एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा दैट इज कार्बन 2 आएंगे, हाइड्रोजन नहीं एम्पेरिकल कहना था सॉरी, कार्बन 1 आएगा, हाइड्रोजन 2 आएंगे और 1 क्लोरीन आएगा एम्पेरिकल, और जब इसका मॉलिकुलर निकालेंगे तो C2H4Cl2 आएगा, चेक करिए क्या आपका ये आ रहा है, यस ये मॉलिकुलर आया है बेटा नूपुर, इससे पहले एम्पेरिकल इसका हाफ हो जाएगा, वेरी गुड समझ गए, मुझे आ गया, वेरी गुड आपको समझ में आ गया, मैं समझ गया।
ठीक है बेटा। बच्चों अब एक क्वेश्चन आपका खाली बचा है, क्वेश्चन नंबर 9, वो कर लीजिएगा बेटा। सचिन सर ने भी बता दिया होगा और मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अभी तक हमने बच्चों पे ज्यादा फोर्स नहीं किया था कि जिसने भी रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया, ट्रायल लेना चाहता है ले सकता है, बट फ्रॉम टुमारो एंड ऑनवर्ड अब हम फ्री ट्रायल बंद कर रहे हैं। और अब हम जो भी बच्चा ट्रायल पहले लेगा उसका 1000 होगा, आइदर एक्सट्रीम जूनियर का या कहीं का, इससे फर्क नहीं है। अब जो भी ट्रायल के लिए आएगा वो 1000 देगा, और जो 3 दिन या 6 दिन का ट्रायल ले चुका है, वॉट एवर 1 वीक मैक्सिमम, उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5000 का आएगा, तभी कंटिन्यू करेंगे। मैक्सिमम बच्चे जितने पढ़ रहे हैं सबका आ चुका है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, दो चार का नहीं अगर आया है तो वो अपने पेरेंट्स से कहें, उससे बात कर लें, इफ दे हैव एनी इशू रिगार्डिंग कोविड या कहीं कहीं फाइनेंशियल मैटर में अगर किसी पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, डोंट डिस्टर्ब देम, बस खाली वो मुझसे फोन पे बात करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वी आर नॉट दैट मच हार्ड एंड फास्ट की फीस चाहिए फीस चाहिए। अगर किसी के पेरेंट्स के यहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम फीस रिगार्डिंग है, घर में कोई फाइनेंशियल रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, देन आई एम नॉट आस्किंग फॉर फीस और एनीथिंग, मैं खाली उनके पेरेंट्स से बात करूंगा, तो वो बात कर लें मुझसे। और अब जितने भी बच्चे आगे से ट्रायल लेंगे वो या तो पेरेंट्स से बात कराएंगे और नहीं तो 1000 सबमिट करेंगे। एंड द बेस्ट वे इज आपके पेरेंट्स से बात हो, जिससे कि थोड़ा आप भी ना, जैसे कहते हैं ना, पेरेंट्स की अकाउंटेबिलिटी जब होती है तो हमारी आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, मतलब आप थोड़ा और अलर्ट होकर पढ़ते हो। 9th क्वेश्चन एक रह गया था, आपने होपफुली कर लिया होगा, चलिए 9th करके रखिएगा। और अब आपके टाइम इवनिंग के ही शायद सूट करेंगे आपको, इवनिंग ही सबको सूट करेगा क्योंकि मॉर्निंग स्कूल है, ठीक है, तो इवनिंग का ही यही टाइम रखेंगे, 5:15 to 6, ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस टाइम, बाय। थैंक यू सर। हाँ, एक बच्चे ने कल भी कहा था डाउट्स हैं बेटा, पलाश आपने कहा था ना 10, 11, 12 डाउट्स हैं, चलिए मैं अभी क्लास के बाद आपको पर्सनली मैसेज करके बता देता हूँ, ठीक है, मतलब कॉल करके करा, थैंक यू सर, ओके बेटा।